हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर बॉटनी लेक्चर। बेटा आप स्टार्ट किया से वॉलवॉक्स, वो असी वॉलवॉक्स का स्ट्रक्चर हैबिटेट पढ़ लिया सीगा, तो अज असी स्टार्ट कर रहे हैं रीप्रोडक्शन। रीप्रोडक्शन बेटा जिहड़ा आ ओह मैं तुहानू जनरल करैक्टर च दस्या सीगा कि ए सैक्सुअल रीप्रोडक्शन हुंदी आ वैजिटेटिव, तो वैजिटेटिव जी सैक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप आ प्लस सैक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हूँ असी पहला ए सैक्सुअल रिप्रोडक्शन देखांगे। ए सैक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा इंपॉर्टेंट आ, अगर थानू ए सैक्सुअल रिप्रोडक्शन ए दी समझ आ गई, इट मीनस थानू अगले मैंबर्स थोड़े ईजीली समझ आ जाएंगे। नहीं समझ आया कोशिश करो पढ़ के समझन दी, और फिर भी नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लियो। आपा ये पढ़िया सीगा कल, आपा स्ट्रक्चर देखिया सीगा कि आ इस तरह के सैलूलर डायग्राम आ, तो अंदर एक होलो कैविटी है, खाली जगह आ। कल पिछला लैक्चर देख लेना है अपना। हुण बेटा ये की हुंदा आ कि आ जिवें जिहड़े पिछले सैल है पिछला जिहड़े सॉरी जिहड़ी आ कॉलोनी बनी आ, इहदे जिहड़े पोस्टीरियर पोस्टीरियर मतलब पिछले वाले या नीचे वाले सैल्स हुंदे आ, इह इस तरह अंदर नूं तस जांदे आ। अंदर नूं तस जांदे आ दा मतलब हुण की होएगा कि जिहड़े आह सैल्स हैगे आ इह इस तरह इत्थों खाली हो जाणगे ते इद्दां अंदर नूं तस जाणे आ। आ जड़े इन्हां दे फ्लैजेलास हैगे आ, ये फ्लैजेला झड़ जाने आ, विदड्रॉ हो जाने आ, ठीक है। फिर इन्हां ने यही सैल्स ने पिछे नूं धस के इदा सर्कूलर स्ट्रक्चर बन जाना आ, जिहनूं असीं कहने आ गोनीडिया, ठीक है। फिर यह पहला इहदा स्ट्रक्चर साइज़ छोटा हुंदा आ हौली हौली, क्योंकि फ्लैजेला फ्लोजेला तां झड़ जाने इन्होंने कट्ठे होना, तो यदा साइज़ जोड़ा है वह इनक्रीज हो जाना है। ये जड़ी आ रीप्रोडक्टिव बॉडी बनती है पेरेंट प्लांट के बिच, इनू असी कहने गोनीडिया, राउंडेड शेप की है, तो थानू क्लीयरली देख रहा है। हूँ ये इस गोनीडिया के प्रोटोप्लास भरिया हों, जड़ा प्रोटोप्लासम है यदा ये इस तरह लोंगिट्यूडनल डिवीजन करता है, मतलब लंबाई दर यह डिवाइड होंदा है, और लोंगिट्यूडनली डिवीजन हो के इनू पूरे नू असी डॉटर सिनोबियम कह देना है। डॉटर सिनोबियम मतलब एक गोनीडिया तो नवे दो या तीन गोनीडिया बन जाने हैं। इस तरह इस प्रोसैस नाल एक पूरे वॉलवॉक्स की कॉलोनी मान लो तीन गोनीडिया बन गए, चार बन गए, पांच भी बन सकते हैं। यू असी कहने गोनीडियम सिंगुलर प्लूरल, एक जड़ा गोनीडिया प्लूरल वह वर्ड हो गया गोनीडियम। हूँ ये जड़े गोनीडिया या तो यह की हो गए, आ जड़ी पेरेंट कॉलोनी आ ये डिसइंटीग्रेट हो जानी है। ऑब्वियस है कि जब सैल सारे अंदर नूं धस के राउंडेड एक बॉडी बनाएंगे, तो ये पेरेंट जड़ा है ये आ वाले सैल जड़े आ बिक मतलब फालतू के जड़े सैल आ पेरेंट्स दे वो डैमेज हो जाने, डिसइंटीग्रेट हो जाने। डिसइंटीग्रेट का मतलब हुंदा झड़ जाने आ जां टुट जाने आ। और ये जड़ा गोनीडियम बनया, इस गोनीडियम ने फिर एक नवे वॉलवॉक्स नू जन्म देना है, इस गोनीडियम ने दूसरे नवे वॉलवॉक्स नू जन्म देना है, इस गोनीडिया ने दूसरे तीसरे वॉलवॉक्स नू। ते सारे वॉलवॉक्स आप देखा ही है कि कॉलोनीज, तो एक गोनीडियम तो बहुत सारी वॉलवॉक्स की कॉलोनीज बननी है, जिन्हों असी डॉटर कॉलोनीज भी कह सकते हैं, या डॉटर का मतलब इतने हैगा ऑफ स्प्रिंग्स या नवा प्लांट। बायो च नवे प्लांट नू तुसी शायद नाइन्थ टेंथ च भी सुनिया होगा, प्लस वन प्लस टू च भी पढ़िया होना है कि ऑफ स्प्रिंग डॉटर कॉलोनीज, ये बच्चों लई एक टर्म आ यूज होंदी है। हुण कई बार की हुंदा आ इस आ जिहड़ा गोनीडियम बनना है ना, ये अंदर
होर एक गोनीडियम डेवलप हो जाता, जिदा ज़्यादा कह लो मल्टीप्लीकेशन हो जाता जदों मदर के अंदर अगर डबल मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो ट्विंस पैदा होंगे। इसी तरह ये भी कई बार होर गोनीडियम डेवलप हो जाता है जिन्हों असी कहने ग्रैंड डॉटर कॉलोनीस, ये तो फिर मतलब होर वॉलवॉक्स बन जाने उन्होंने असी कह दें ग्रैंड डॉटर कॉलोनीस। ये किसी किसी स्पीशीज हों या सम टाइम्स हों, जरूरी नहीं कि सारिया दे विच होवे। ठीक है, आ गोनीडियम हुण गोनीडियम तो ही नवी कॉलोनी बननी है तो ये अंदर ही नवा एक होर गोनीडियम का डिवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है जेड़ा बाद कॉलोनी फॉर्म करता है वॉलवॉक्स की, तो वो ग्रैंड डॉटर कॉलोनीस हो गई। सारिया च नहीं हुंदा हैगा, किसी किसी या कदे कदे हुंदा है प्रोसैस। ठीक है बेटा, आ थानूं समझ आई गया होना है। फिर हुण असी गल करते हैं सैक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सैक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं थानूं सवेरे भी पूछा सीगा कि किन्ने तरह के रिप्रोडक्शन होंगे, तो उस तुसीं एक ओगैमस नाम लिया सी। हुण ओगैमस तो क्लीयर ही है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, आ मेल नूं साइन कर दें, आ फीमेल का साइन है। मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन उन्हों असी कह दें सैक्सुअल रिप्रोडक्शन। हुण कई बार गैमेट्स का फ्यूजन हुंदा है छोटे प्लांट्स, या फिर मेल और फीमेल जिहड़े ऑर्गन्स बन जाते हैं सैक्स ऑर्गन्स बन जाते हैं। मेल सैक्स ऑर्गन नूं आपां कहिंदे आ एंथ्रीडिया। ये बार बार हर चैप्टर चे नाम आना है, इस करके इत्थे ही रट लेना है। जदों तुसीं दो मैंबर सैलगे दे पढ़ लैने आ तां फिर तुहानूं तीसरा जिहड़ा है वो अपने आप ही आ जाना है, क्योंकि कुछ चीज़ां जिहड़ियां वो कॉमन हुंदियां। एंथ्रीडिया नूं एंड्रोगोनीडिया भी कहिंदे आ, फीमेल सैक्स ऑर्गन नूं ओगोनिया या गाइनोगोनीडिया कहिंदे आ। हुण कुछ स्पीशीज इहदियां मोनोइशियस हुंदियां आ, ग्लोबैटर हो गया। कुछ मेल और फीमेल सैक्स ऑर्गनस जिहड़े मोनोइशियस का मतलब कि आह वॉलवॉक्स आ ये चाह मेल सैक्स ऑर्गन फीमेल सैक्स ऑर्गन जेड़े आ ओह सेम थैलस च प्रोड्यूस होंगे, सेम थैलस च ही आ। हुण जेड़ा डायोशियस हो गया मेल थैलस है, आ फीमेल थैलस है। ठीक है, ये अलग अलग जो प्रोड्यूस होंगे ओह होंगे मेल सैक्स ऑर्गन फीमेल सैक्स ऑर्गन सैपरेट थैलाई जो प्रोड्यूस होंगे उन्होंने असं कह दें डायोशियस प्लांट्स। तो असी हुण इहदी गल कीती है कि सैक्सुअल रिप्रोडक्शन जिहड़ा आ ओह आ वाला जो वैजीटेटिव फेस का एंड हुंदा आ या पेरेंट प्लांट मैच्योर हो जाता है, उहदे विच आ गोनीडिया के थ्रू भी मान लो रिप्रोडक्शन हो गई। उस तो बाद यह जड़ा सैक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज स्टार्ट हुंदा आ। होना एच भी उही आ क्योंकि बहुत छोटे प्लांट्स आ लगे असी वॉलवॉक्स पढ़ रहे हैं, छोटे प्लांट्स हुण एस सच क्लीयर कुछ नहीं दिखता। तो कह लो कि जिन्नी एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी फाइकोलॉजिस्ट ने की ये भी अद्धा एक प्रोसैस सैक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट उसी तरीके होनी आ कि हाफ ऑफ द जेडे सिनोबियम आ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਜਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਦਡਰਾਅ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਆ ਨਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਲੈਜਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਡਰਾਅ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਐਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਸਣਾ ਤਾਂ ਐਂ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਟ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗੈਮੀਟੈਂਜੀਅਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੈਮੀਟੈਂਜੀਅਮ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲਾਰਜ ਰਾਊਂਡਡ ਬੋਡੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਰੀਨੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਨੋਬੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕੋਲੋਨੀ ਆ ਸੈਲਸ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸ਼ੀਤ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਦ ਪਲਾਸਮੋਡੈਸਮੇਟਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲਿਓ।
ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਖਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਥਰੂ ਪਲਾਸਮੋਡੈਸਮੈਟਾ ਜਾਂ ਸਾਈਟੋਪਲਾਸਮਿਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਊਂਡਡ ਸਟਰਕਚਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟੈਂਜੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਤੋਂ ਬਣਦਾ ਆ ਐਂਥਰੀਡੀਅਮ, ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟੈਂਜੀਅਮ ਤੋਂ ਬਣਨਾ ਆ ਓਗੈਮੀਅਮ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਏਗਾ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟੈਂਜੀਅਮ, ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਬਣਾਏਗਾ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟੈਂਜੀਅਮ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਐਂਥਰੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਐਂਥਰੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਐਂਥਰੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਥਰੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਥਰੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟੈਂਜੀਅਮ। ਸੋ ਆਹ ਹੋਏਗਾ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟੈਂਜੀਅਮ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹੋਣਗੇ ਐਂਥਰੀਡੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਂਥਰੀਡੀਆ ਬਣਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਆਹ ਸਪੋਜ਼ ਗੈਮੀਟੈਂਜੀਅਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਮ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਲੋਂਗੀਟਿਊਡਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸ਼ੇਪ, ਬੋਲ ਬੇਟਾ ਕੌਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਲੀ ਸ਼ੇਪ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹ, ਜਾਂ ਕੌਲੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਸਜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਫੋਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 64 to 128 ਮੇਲ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਜੇ ਸਪਰਮਸ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਓਵਮ ਇੱਕ ਬਣੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 2 or 3 ਆ ਸਪਰਮਸ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਓਵਮ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 64 to 128 ਮੇਲ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਲ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਨਗੇ ਸਪੀਸ਼ੀਸ ਟੂ ਸਪੀਸ਼ੀਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੀਸ਼ੀਸ 'ਚ ਮੇਲ ਸੈਲ 64 ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ 128, ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਬੋਕਸ ਗਲੋਬੈਟਰ ਆ ਉਹ 'ਚ 64 ਹੋ ਗਏ, ਦੂਸਰਾ ਓਰੀਅਸ ਆ ਬੋਲ ਬੋਕਸ ਉਹ 'ਚ 128 ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 16, 32, 64, ਇਹ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਆ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਕੋਲੋਨੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਧੱਸਦੇ ਧੱਸਦੇ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਐਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਬੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਇਹ 'ਚ ਬੈਂਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੋਨੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੇਖੋ ਇਨਵਰਟਿਡ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਇਨਵਰਟਿਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਹੀ ਆ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰਸ ਹੁਣ 128, 156 ਇੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਉਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਵਰਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ, ਹੋਰ ਇਨਵਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਸਟ ਟੂ ਫਿੱਟ ਇਟਸੈਲਫ ਇਨ ਦੈਟ ਏਰੀਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਇਨਵਰਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਮ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਬੋਲ ਸ਼ੇਪ ਆ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਬਣੀ, ਕੌਲੀ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਆਹ ਕੌਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਬਣੀ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਲੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕਟੋਰੀ ਆ ਉਹ ਇਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਮ ਭਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੰਟੂ ਲੋਂਗ ਨੈਰੋ ਕੋਨੀਕਲ ਮੋਟਾਈਲ ਐਂਥੀਰੋਜ਼ੋਇਡ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਮ, ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ,
प्रोटोप्लाज्म दे ये है पीसेस है आप पहले ही किया कि जेड़ा ये दे अंदर प्रोटोप्लाज्म पर है उनका ओ डिवाइड होंडा या थ्रू लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन इनटू मैनी सेल्स ता आ जेड़े सेल्स बने एक्चुअली जे है ता प्रोटोप्लाज्म ही है जेड़ा मेल सेल दे अंदर या गैमेटेंजिया दे अंदर प्रेजेंट है मेल गैमेटेंजिया दे अंदर ता ए पीसेस जेड़े या ये है गेट सेपरेटेड या डिफरेंशिएट इनटू एंथेरोजोइंस ता तुसी एक चीज हमेशा याद रखनी है कि मेल सेल दे अंदर एंथ्रीडियम बनूगा एंथ्रीडियम दे अंदर एंथेरोजोइड बनेगा एंथेरोजोइड हमेशा फ्लैजिलेटेड होएगा क्योंकि इन्हें पानी च हुन एल्गे जड़े आ यह प्लांट्स जड़े आ इन्हें वाटर चाहिए होंदा टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तस ए किसे एक सबस्ट्रैटम ते जिथे ये चिपके हुए आ लगे होंदे आ ग्रो करते आ एंथेरोजोइड्स आ बॉडी फाड़ के इत्थे आऊगा मतलब इत्थे लिबरेट होना आ इन्हें ते इन्हें फ्लैजेला दी हेल्प नाल पानी च स्विम करके आ आर्केगोनिया या आर्केगोनिया दे अंदर एग सेल बनता है तो इस एंथेरोजोइड ने इस एग आर्केगोनिया दी नैक दे थ्रू एग तक पहुँचना है फ्यूजन फर्टिलाइजेशन जाइगोट ये जड़ा या लाइफ साइकिल दा अगले स्टेप सन जड़ा असी पढ़ना है फिलहाल तो उसे इत्थे याद रखना है नहीं कि एंथेरोजोइड जड़ा या आ बाईफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर या ये कित्थे बनेगा एंथ्रीडियम दे अंदर एंथ्रीडियम कित्थे बनेगा मेल गैमिटेंजिया दे अंदर ते जे एंथ्रीडिया नहीं बनिया एंथेरोजोइड नहीं बने तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होनी हैगी सो इन्हां दा बनना जरूरी आ क्योंकि छोटे प्लांट्स आ क्लीयर कट बहुत जेड़ा दिखन वाले स्ट्रक्चर से इच नहीं हुंदे हैगे ये सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आ ते प्रोसेस भी जड़े आ माइक्रोस्कोपिक चलदे आ तां फाइकोलॉजिस्ट नूं इन्हां नूं उन्हां नूं भी प्रैक्टिकल करन च डिफिकल्टी आई सीगी ते फिर हुण बाईफ्लाई ये जड़ा बनिया सी एंथेरोजोइड ये बाईफ्लैजिलेटेड हुंदा आ आपां सवेरे भी पढ़िया सीगा कि बाईफ्लैजिलेटेड किहड़े विप्लैश टेंसल फ्लैजेला ते ये हुन एंथेरोजोइड कित्थे जाएगा आर्केगोनियम दी नैक दे अंदर जिथे एग सैल बनेगा वो आपां कल देखांगे कि किवें पढ़े बनेगा इनू पढ़ना आ तीन बार चार बार पढ़ो जे फिर भी नहीं समझ आया वैसे तो हुन बहुत ईजी लगेगा थानू नहीं समझ आया दोबारा पूछ लियो है कुछ नहीं बस इहदा इन्ने एक प्लांट दा ही आपस च खेल आ कि सैल्स जड़े आ अंदर नूं धसने आ ते फ्लैजेला झड़ने आ राउंडेड स्ट्रक्चर बनना आ उस राउंडेड स्ट्रक्चर या तो उन्हें डायरेक्ट प्लांट च नवे प्लांट च डेवलप हो जाना कॉलोनी च वो हो गया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जे वह एग तक पहुँचता आ फ्यूजन फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनिया तो वह हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओके बेटा गुड बाय कीप रिवाइजिंग नहीं समझ आया तो बार बार पूछ लियो कल नू मैं इहदा थोड़ा ओरल टेस्ट लेना है ओके okay.